में देखने को मिलेगा आपको जो है 2300 रुपये का ब्लेड, और जो ब्लेड होते हैं वो 900 रुपये का, लेकिन इसमें जो है स्पेशल ब्लेड है 2300 रुपये का। तो आइए जानते हैं इसके अंदर ऐसा क्या है। और इसमें जो है डबल बेयरिंग आपको देखने को मिलेगा, इस एरो में ही जो है आपको डबल बेयरिंग देखने को मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। किसान अपने हिसाब से जुताई को जो है एडजस्ट कर सकता है, कम ज़्यादा जो है एरो को यहाँ से पॉइंटों पे जो है लगा सकता है। 0 पॉइंट पे फिटिंग इस एरो के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल 0 पॉइंट। किसान अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है, कम ज़्यादा लेफ्ट राइट जो है एरो को लगा सकता है। आइए देखते हैं वीडियो के अंदर पूरी जानकारी इस एरो के बारे में। जवान जय किसान साथियों, आज आपके लिए जो है हम ट्रेल्ड ऑफसेट डिस्क एरो लेके आए हैं टायरों के साथ जो आती है। अभी इसमें जो है हाल में टायर नहीं लगे हुए, लेकिन जब ये जमींदार इसको लेके जाता है तो इसमें जो है डीलरशिप वाले टायर लगा देते हैं और जो है आगे हुक इसमें लगा देते हैं। इसका जो हम वैसे क्या बोलते हैं इसको, बेरी वाली एरो, जो बेरी वाली एरो है, फील्ड किंग की एरो है, वो दोनों सेम है, लेकिन इसका जो प्रॉपर नाम है वो इस एरो का नाम है ट्रेल्ड ऑफसेट डिस्क एरो जो है विद टायर। तो बात करते हैं इस एरो के बारे में। राम राम भाई साहब। ये कितने तवे की एरो है? 16 तवे की एरो है। इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात ये है, इसमें बोरन स्टील है, तो अच्छा स्टील देते हैं आप इसके ब्लेड के अंदर, तो स्टील का फायदा क्या होगा? स्टील का फायदा है मिट्टी नहीं लगे। अच्छा मिट्टी नहीं लगती है, मिट्टी नहीं चिपती इसमें, और जितना बाढ़ निकलेगा उतना चमकेगा चमकेगा। और एक खास बात और है, जैसे जमींदारों की रिपोर्ट आती है कि भाई एक जैसी एरो जो है ये लग के चलती है, तो एक सेम लगती है, सेम लगती है। अब जो अब थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में भाई इस एरो की बात करें, तो टेक्निकल लैंग्वेज में जब हम इस एरो की बात करते हैं तो कंपनी इस एरो को जो है 12 तवों में, 14 तवों में, 16 तवों में और 18 तवों में जो है कंपनी इस एरो को जो है बनाती है और प्लेन डिस्क जो है इसके अंदर जो है डालती है। अब बात करते हैं इस एरो के जो ब्लेड, ये तवा है, तवे की जो है हाइट क्या है? तवे की हाइट है इसकी 2 फुट 24 इंच जो है इस तवे की हाइट है। सेंटर से अगर हम बात करेंगे तो सेंटर से जो है इसकी 12 इंच जो है हाइट है। जो हाइट की बात करते हैं ये यहाँ से, बाकी इस पे जो है मार्का भी लगा हुआ है यहाँ पे, इसमें भी जो है बताते हैं। तो और इसकी बात करें वज़न की, तो जो 12 तवे की जो एरो है उसमें तकरीबन 590 किलो वज़न है, और 14 में जो है 660 और 16 में जो है 725 किलोग्राम वज़न है, और जो है 18 की एरो में 790 किलो, तकरीबन ये मान लो 7 क्विंटल और जो है 90 किलो वज़न इस एरो के अंदर आपको मिलेगा। अब जो है HP की बात करें कि भाई हमने एरो तो ले ली, लेकिन जो है कितने HP का ट्रैक्टर जो है उसको खींच पाओगा? तो अब बात करते हैं 14 तवों की एरो की, 14 तवों की एरो में जो है 45 से 55 HP का ट्रैक्टर जो है उस एरो को आले शिले में हर चीज़ में जैसे आप चलाओगे तो उसमें खींच पाओगा। 12 की जो ब्लेड की जो एरो है उसको 30-40 HP का ट्रैक्टर खींच पाओगा, और 16 की जो है उसको 60-70 HP का जो ट्रैक्टर उसको खींच पाएगा। अब बात करते हैं डिस्टेंस, जो इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये बात करें डिस्टेंस की, तो जो इस ब्लेड से और इस ब्लेड की जो दूरी है, जैसे बहुत सारे टेक्निकल फार्मर हैं और जो है टेक्निकल मिस्त्री भी हैं एक तरीके से, तो वो कई बार जो है क्वेश्चन करते हैं हमारे से कि जो है इन में क्या फ़र्क होता है, इनके ब्लेडों में क्या फ़र्क होता है, इनकी दूरी क्या है। तो इन की बात करें तो 228 mm में जो है इन दोनों ब्लेड के बीच का जो है गैप है, और इसको जब हम फिट में बात करेंगे तो 0.748 फिट इन दोनों तवों के बीच की जो है दूरी इसमें हमारी काउंट होती है। अब जो है भाई से बात करेंगे कि भाई ये थी हमारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, बाकी एक बार और बताओ जो ये इधर ये बैरिंग है इसमें, तो कितने बैरिंग में जो है ये आप? डबल बैरिंग में है। अच्छा डबल बैरिंग में इस तरफ है और डबल बैरिंग में उस तरफ है, और जो है इन नटों से जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप, जो है गैंग वगैरह ढीली हो जाए। और क्या है जी इसमें आपने 16 डिस्क की है, 18 डिस्क की है। 16 डिस्क में आता है पाइप, अच्छा अंदर है जो, अच्छा 18 डिस्क में आता है सपट,
अच्छा सापट। हाँ जी सर। अच्छा तो उनमें क्या फर्क होता है वैसे? अरे उसमें वेट में हो जाए ना फर्क, सापट में इसमें पाइप आती है। हाँ हाँ। जो बीच बीच में से थोती हुआ है। अच्छा, उसमें पूरी सापट आती है। गारंटी वारंटी क्या होती है आप लोगों की? सीजन की होती है, तवे की, फ्रेम की। अच्छा, टूटने की नहीं? नहीं, जो दो सरडा निकल जाओ थोड़ा हवा, उसकी गारंटी है। दो सरडा मतलब डबल सरडा हो जा रहा है, छोड़ दिया रहे। अच्छा, एक तरीके से वो फट जाए या दो मुंह उसके हो जाए इस तरीके से जो है। और इसमें जो है बात करें भाई, ये देखो सेल कंपनी का, ये देखो सेल कंपनी का जो लोहा इसके अंदर यूज होता है। और ये ब्लेड जिससे मिट्टी वगैरह जो है नहीं चिपती, एक मिट्टी नहीं चिपती आप वाले तवे के, क्या कारण है सर? मिट्टी ये इस कारण नहीं चिपती, स्टील मिक्स है, बोर्न स्टील लगा हुआ है, मिक्स कर रखा तो हमें। अच्छा। हाँ जी सर, पूरा लोहा इसका रोगा जो इसमें बोर्न स्टील है। अच्छा। हाँ जी सर। और भाई बात करें ये प्लेट की, ये प्लेट देख लो कितनी हैवी मोटी जो प्लेट इन्होंने यहाँ पर लगा रखी है बहुत। इसका सर 0 पॉइंट पे है कटी। अच्छा, 0 पॉइंट पे फिटिंग है इसकी। 0 पॉइंट पे फिटिंग है, जो कर करे ना किसी ने क्या नोना तो फिट नहीं हो पाएगी। अच्छा, फिट भी नहीं होगी मतलब एक तरीके से भाई, ना तो 1 इंच इस तरफ और ना 1 इंच इस तरफ, यही तो कारण है ना आरओ का। देखो सर इसमें फिटिंग देखो। अच्छा, ये फिटिंग, ये फिटिंग है, ये देखो, ये देखो कितनी प्लेट का प्लेट बिट रही है, बीच में कोई भी गैप नहीं है, कोई भी फैसला नहीं है। और आगे जब इसकी अड़स की बात करें तो इसमें 4 सुराख दे रखे हैं। जी सर। तो 4 किस लिए सर? ये अपना रोज जितनी लगानी है। अच्छा, ज्यादा लग रही हो ऊपर में डाल ले। अच्छा, वो कम लगानी हो तो नीचे में डाल ले, ज्यादा लगानी हो तो ऊपर में डाल ले। अच्छा, इस वजह से जो है इसमें लगा रखे हैं। अब बात करते हैं इसकी, और कोई बात रहेगी भाई इसकी? नहीं सर, ये रो है अपनी बहुत बढ़िया रो है। अच्छा। हाँ जी सर। बात करें इसके रेट की, क्योंकि सारे किसान भाई जो है बाद में ये फिर क्वेश्चन करते हैं कि भाई इसका रेट क्या है, तो रेट क्या है जी इसका? 16 गियर होगा। 1,08,000 रुपये। 1,08,000 रुपये। हाँ जी सर। अच्छा, मौके पे कर ले। मौके पे जो है शर्मा शर्मी भाई, अगर हमारी वीडियो से कोई बंदा आपके पास आया तो जो उसको स्पेशल ऑफर दोगे आप? ऑफर दिया जाएगा, स्पेशल ऑफर दोगे आप? अपना नंबर और बता दो भाई साहब। मेरा नंबर है 7988483812। एक बार उसे एक्स्ट्रा मोर बता दो। 7978848412। नाम और बता दो अपना। मोनू सर। मोनू गोहाना से जो है आप इस बेरी वाली एरो को जो है ले सकते हैं, भाई के पास फोन करके भी ले सकते हैं। अगर हमारे से किसी ने जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर है 9416641612, इस पे भी कॉल करके जो है आप नंबर ले सकते हैं। सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।